ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ स्मिता तिवारी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सावन के महीने में जो मंगला गौरी व्रत आते हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मंगला गौरी व्रत इस साल किस तारीख को शुरू हो रहे हैं, मंगला गौरी व्रत की तारीखें कौन सी रहने वाली है, और मंगला गौरी व्रत इस साल हमें कितने करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार सावन का जो महीना है वो 2 महीने का होने वाला है, यानी 59 डेज का होने वाला है। तो जो मंगला गौरी व्रत है वो भी, उसकी जो संख्या होती है वो भी बढ़ गई है, तो हमें कितना करना पड़ेगा। और जो पहली बार इस मंगला गौरी व्रत को शुरुआत करना चाहते हैं इस साल से, तो उन्होंने करना चाहिए या ना चाहिए, और जो महिलाएं पहले से मंगला गौरी व्रत करते आ रही है तो उन लोगों ने इस साल मंगला गौरी व्रत कितने करने चाहिए, क्योंकि इस बार जो उसकी संख्या है मंगला गौरी व्रत की वो बढ़ गई है, तो उन्होंने कितने करने चाहिए। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, सावन का जो महीना होता है वो 30 ही दिनों का रहता है, जिसकी वजह से 4 या 5 ही मंगला गौरी व्रत आते हैं, लेकिन इस बार कैसा हुआ, ज्यादा मंगला गौरी व्रत है, तो वो कितने करने चाहिए, और मंगला गौरी व्रत का जो महत्व होता है वो क्या है, और मंगला गौरी व्रत का जो एक मंत्र है वो क्या है, तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब कोई भी पूजा करते हैं ना तो उसकी सारी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा, और अपने परिजनों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव की उपासना का इस सावन के महीने में विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव की उपासना करता है, उनकी पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव सावन के महीने में पूरी करते हैं। इसी तरीके से माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है, विशेष फलदायी है उनकी पूजा भी इस सावन के महीने में। और मंगलवार के दिन, सावन के महीने में जो मंगलवार का दिन आता है, उसके दिन उनकी पूजा की जाती है, जिसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में माता पार्वती की पूजा होती है, उनकी कथा पढ़ी जाती है, उन्हें भेंट स्वरूप श्रृंगार की सामग्री भेंट की जाती है, अर्पित की जाती है, और इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व रहता है। जो भी स्त्रियां ये व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए सुहागन महिला इस व्रत को पूरी विधि विधान से करती है और माता पार्वती की पूजा करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस सावन के महीने में जो माता पार्वती होती है वो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो अपने पति शिव जी के साथ अपने मायके जाती है, जिसके वजह से वो खुश होती है। और जो भी स्त्रियाँ ये मंगला गौरी व्रत करती है तो उनकी सारी मनोकामनाएं वो पूरा करती है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत की शुरुआत किस तारीख से हो रही है। तो इस बार सावन की शुरुआत हो रही है 4 जुलाई को और समापन हो रहा है 31 अगस्त को। तो जो 4 जुलाई को शुरुआत हो रही है उस दिन आ रहा है मंगलवार, यानी उसी दिन मंगला गौरी व्रत की शुरुआत भी हो रही है। और इस बार सावन का महीना 2 महीने का मनाया जाएगा, क्योंकि बीच में आ रहा है अधिक मास। हमेशा क्या होता है, सावन का महीना 1 महीने का रहता है, जिसकी वजह से जो मंगला गौरी व्रत रहते हैं वो 4 या 5 ही आते हैं, लेकिन इस बार सावन का महीना 2 महीने का हो गया, यानी पूरे 59 डेज का हो गया, तो मंगला गौरी जो व्रत होते हैं वो भी बढ़ गए हैं, यानी इस बार जो मंगला गौरी व्रत रहेंगे पूरे 9 मनाए जाएंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि मंगला गौरी व्रत की जो तारीख है वो कौन कौन सी है, उसे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उधर भी देख लीजिएगा और मैं भी आपको बता दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से मंगला गौरी व्रत की जो तिथियाँ है वो इस तरीके से है। पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई को मनाया जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 18 जुलाई को, चौथा मंगला गौरी व्रत 25 जुलाई को, और पाँचवा मंगला गौरी व्रत 1 अगस्त को मनाया जाएगा, छठा मंगला गौरी व्रत 8 अगस्त को, सातवां मंगला गौरी व्रत 15 अगस्त को, आठवां मंगला गौरी व्रत 22 अगस्त को मनाया जाएगा, और जो नौवां मंगला गौरी व्रत रहेगा वो 29 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इस तरीके से इस साल पूरे 9 मंगला गौरी व्रत मनाए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो भी पहली बार इस व्रत की शुरुआत करना चाहता है तो उन्होंने इस बार इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए, सावन की जो महीना है उसकी शुरुआत हो रही है 4 जुलाई से, और 18 जुलाई से हो रही है अधिक मास की शुरुआत। तो 4 जुलाई से लेकर तो 18 जुलाई के बीच में आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मंगला गौरी व्रत हो गया, और भी व्रत रहते हैं, उन सब की शुरुआत आप इन दिनों के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पड़ जाएगा अधिक मास, और अधिक मास में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है। तो जो भी इस बार से इस व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि जो महिलाएं, यानी जो सुहागन महिलाएं पहले से ही
मंगलागौरी व्रत करते आ रहे हैं, तो उन्होंने इस बार कैसा करना चाहिए? एंड इस बार तो क्या हुआ कि सावन का महीना बड़ा हो गया है, यानी 2 महीने का हो गया है, तो मंगलागौरी व्रत की संख्या भी बढ़ गई है। इस बार 9 पड़ने वाले हैं। हर बार क्या होता है कि सावन का महीना 30 दिन का रहता है, तो जो मंगलागौरी व्रत रहते हैं वो 4 या 5 ही आते हैं, और इस बार क्या हुआ 9 आ गए हैं। तो क्या करेंगे, 9 करेंगे या 4 करेंगे या 5 करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आ ही रहे होंगे, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इस बार आपको पूरे 9 के 9 मंगलागौरी व्रत करने पड़ेंगे। और एक बात ये भी है कि जो मंगलागौरी व्रत रहता है उसका संकल्प लोग 2 तरीके से लेते हैं। एक तो रहता है 5 साल का संकल्प लेते हैं, और कुछ लोग लेते हैं 16 मंगलवार का संकल्प लेते हैं। तो जो 5 साल का जो संकल्प लेते हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि अभी तक उनके जितने साल हो चुके हैं, तो वो साल के अलावा इस साल भी उन्हें पूरे मंगलवार का व्रत करना पड़ेगा। और जब उनका 5वां साल रहेगा, उस साल उनको उसका उद्यापन करना पड़ेगा, यानी इस बार उनको पूरे ही मंगलवार के व्रत करना पड़ेगा। और जो इस बार से संकल्प लेना चाहते हैं, यानी 16 मंगलवार का जिन लोगों ने संकल्प लेना, जो लोग संकल्प लेना चाहते हैं इस बार से, तो उन्होंने 4 जुलाई से उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, और 16 मंगलवार हो जाने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। तो इस तरीके से वो लोग भी इस व्रत को इस साल भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप जान ही गए होंगे कि हमको इस बार क्या करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मंगलागौरी व्रत का जो महत्व होता है वो क्या होता है। इस तरीके से कुआरी कन्या या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करती है, उनकी पूजा करती है। उसी तरीके से सुहागन महिला जब इस व्रत को करती है, तो उनके पति की आयु लंबी हो जाती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो महिलाएं संतानहीन हैं, अगर वह यह व्रत करती है, तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जिन महिलाओं के जीवन में, इन्हें दाम्पत्य जीवन में कलह है, क्लेश है, अगर वह यह व्रत करती है, तो वह सारा कलह व क्लेश खत्म हो जाता है। और इस व्रत कथा के श्रवण से भी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि यह उपवास करने से पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। तब आप जान ही गए होंगे कि मंगला देवी व्रत का क्या महत्व होता है। तो चलिए अब ये बता देती हूँ आपको कि मंगला देवी व्रत का मंत्र क्या है। तो स्क्रीन पे भी मैं आपको लगा दूंगी, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो जब भी आप इस व्रत कथा को करोगे, तो इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। तो इस तरीके से आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।